हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर, जो आपको बताता है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्मों का हाल। तो इस हफ्ते रिलीज हुई है तीन फिल्में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मोतीचूर चकनाचूर की। डायरेक्टर देवमित्रा बिस्वाल की फिल्म मोतीचूर चकनाचूर। आज के सिनेमा की एक बहुत अच्छी बात यह हो गई है कि हीरो का हीरोइज्म इस बात पे नहीं है कि वो 25-25 लोगों को मार भगाता है या उसमें कुछ एक सुपर नेचुरल सुपरमैन टाइप की क्वालिटीज हो। वो एक कॉमन मैन हो सकता है, कॉमन मैन ही होता है, और एक छोटी छोटी जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी समस्याओं पर फिल्म बन जाती है। तो ये इसी तरह की फिल्म है कि पुष्पेंद्र त्यागी, दुबई में नौकरी करने वाला ये 36 साल का आदमी, अपने माँ बाप का बहुत लाडला है, इसलिए लाडला है कि वो कमाऊपूत है। वो छुट्टी पर घर आता है और उसका एक ही ध्येय है कि उसको शादी करना है। लगातार वो हर साल जब जब छुट्टियों पे आता है इसी उम्मीद में आता है कि उसकी शादी होगी, और लेकिन शादी करे बिना उसको वापस जाना पड़ता है। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उसकी माँ को चाहिए तगड़ा दहेज, क्योंकि उसका बेटा दुबई में नौकरी करता है और अच्छी नौकरी करता है। अब समस्या यहाँ पर आती है कि 36 साल के हो चुके पुष्पेंद्र त्यागी डेस्परेट हो चुके शादी करने के लिए, और माँ को इसलिए दहेज चाहिए कि उस दहेज के पैसे से वो उसकी बहन की शादी करेगी। अब इसके इनके पड़ोस का एक परिवार है जहाँ पर एनी रहती है, जिसका नाम है अनीता। अनीता अपने माँ बाप के साथ रहती है और उसका एक ही ध्येय जिंदगी में कि शादी करके वो विदेश जाएगी। अब पुष्पेंद्र त्यागी शादी करने आए हैं, एनी का सपना है कि वो शादी करके विदेश जाएगी। हालांकि दोनों में उम्र का, रहन सहन का, दिखावे का बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन विदेश जाने की लालच में एनी पुष्पेंद्र से शादी कर लेती है, उसको फांस लेती है, उसको मजबूर करती है कि वो उससे शादी कर ले, और उनकी शादी हो जाती। अब क्या होता है, इसी ताने बाने पर बुनी गई है मोतीचूर चकनाचूर। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो देवमित्रा ने हर दृश्य में डायरेक्टर ने कितना काम किया हुआ है अपनी स्क्रिप्ट पे, वो साफ नजर आता है। जिस तरह का एक अलग दुनिया उन्होंने खड़ी की है वो अभी तक हमने देखी नहीं थी। इसके लिए देवमित्रा जो है बधाई की हकदार है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो नवाजुद्दीन एक कमाल के समर्थ अभिनेता हैं, वो जो रोल करते हैं वो बहुत बेहतरीन करते हैं, और पुष्पेंद्र त्यागी में भी उनका जो सहज अभिनय है पुष्पेंद्र त्यागी को एक प्यारा इंसान बना देता है। आथिया शेट्टी मेरे लिए एक रिविलेशन था कि आथिया ने पहली बार एक इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, जो उनकी पहली फिल्म थी उसमें वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, हालांकि मेरे मित्र सुनील शेट्टी की बेटी हैं। जिस तरह से आथिया ने इस फिल्म में परफॉर्म किया है उसमें उन्होंने साफ एक घोषणा कर दी है कि न सिर्फ उनकी उस क्राफ्ट पे पकड़ है लेकिन उस किरदार को भी उन्होंने मजबूती से पकड़ के रखा है। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चौके छक्के लगाती आथिया आपको मोतीचूर चकनाचूर में नजर आएगी। तो डायरेक्टर देवमित्रा बिस्वाल की जो जीत है वो एक मजबूत स्क्रिप्ट और सारे शानदार एक्टर्स, तो ये कुल मिलाकर पूरी फिल्म को मनोरंजक बना देते हैं, वो आपको पकड़ कर रखती है। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।